गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई ये फतवा जैसा वर्ड को ही तुम बॉयकॉट करो और इसको निकाल दो। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। फतवा क्या होता है और अगर कोई इसे ना माने तो क्या होता है? दोस्तों 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई से अयोध्या पहुंचने वाली शबनम शेख के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सिर पर हिजाब बांधकर खुद को सनातनी मुस्लिम कहने वाली शबनम शेख एक सच्ची राम भक्त है, जिसने पैदल इतनी लंबी यात्रा की, लेकिन इस यात्रा के बदले में जहां एक तरफ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। और सिर्फ शबनम शेख ही नहीं, कई सारे लोगों ने राम मंदिर का समर्थन किया और कुछ लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। पर आखिर ये फतवा होता क्या है और क्यों फतवा जारी किया जाता है, इसमें क्या होता है, इसे कौन जारी करता है और फतवा जारी करने के बाद अगर कोई धार्मिक गुरुओं की बात ना माने तो उसके साथ क्या हो सकता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप लोगों ने फतवा शब्द जरूर सुना होगा, जहां अक्सर कहा जाता है कि इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। यहां तक कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के खिलाफ फतवा जारी किया जा चुका है, जैसे कि मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने जब लोगों को दशहरे की बधाई दी तो कुछ लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आई और फिर उनके खिलाफ फतवा जारी करने की धमकियां दी जा रही थी। और ये पहले भी कई सारे क्रिकेटर्स के साथ हो चुका है और कई बार तो कट्टरपंथियों की ओर से अलग अलग लोगों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके राम मंदिर पहुंचने वाली शबनम के रूप में आप देख सकते हैं। ऐसे में जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके मन में इसे लेकर कई सवाल उठते हैं कि आखिर ये फतवा होता क्या है भाई। तो चलिए समझते हैं फतवे से जुड़ी हर एक बात और इस्लाम धर्म में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फतवा एक अरबी शब्द है। इस्लाम से जुड़े किसी भी मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी के जो हक में जारी किया जाए वो फतवा होता है। अब आप बोलेंगे हदीस क्या होता है, क्योंकि कुरान के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन हदीस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैगंबर मोहम्मद ने जिस तरह अपना जीवन व्यतीत किया था उसकी जो प्रमाणिक मिसालें हैं उसे हदीस कहते हैं। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में जो जो किया, जिन जिन नियमों को अपनाया, जिस तरीके से वो रहते थे, वो सब कुछ हदीस कहलाता है। दोस्तों वैसे तो इसका मतलब ये होता है कि किसी निर्णय पर मुस्लिम लॉ के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करना, और अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो इस्लाम के नियमों के हिसाब से किसी को राय दी जाए तो उसे फतवा कहा जाता है। फतवा कुरान और हदीस में बताए गए नियमों के अलावा मोहम्मद साहब किसी खलीफा, इमाम या फिर आलिम दीन की ओर से किए किसी पुराने फैसले पर आधारित हो सकता है। देखा जाए तो अगर कोई इस्लाम के नियमों के हिसाब से गलत करता है तो फतवे के रूप में उसे इस्लाम के नियमों के हिसाब से राय दी जाती है। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि फतवा जारी कौन करता है, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो लोगों को लगता है अगर कोई मौलवी किसी के खिलाफ कोई बयान दे रहा है तो वही फतवा जारी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात साफ है कि हर किसी को फतवा जारी करने का हक नहीं है, यानी कि हर मौलवी या इमाम फतवा जारी करने का हकदार नहीं है। फतवा जारी करने का हक सिर्फ इस्लाम धर्म के जानकारों को ही है। फतवा मुफ्ती जारी करता है, लेकिन मुफ्ती बनने के लिए इस्लाम की पढ़ाई करनी बहुत जरूरी होती है। यानी कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से इस्लाम की पढ़ाई करता है और उसकी सारी जानकारी लेकर मुफ्ती बनता है, उसे ही फतवा जारी करने का हक होता है। वरना अगर कोई भी मौलवी या इमाम जिसने इस्लाम की पढ़ाई नहीं की और वो ऐसे ही मौलवी बन गया तो उसे फतवा जारी करने का हक नहीं होता। इसलिए अगर कोई भी मौलवी किसी के खिलाफ कुछ कहता है तो ये मत समझिए कि उस शख्स के खिलाफ फतवा जारी किया गया,
क्योंकि ये हक सिर्फ और सिर्फ बहुत गिने चुने लोगों को होता है। अब सवाल आता है, फतवा जारी कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, इस्लाम की जानकारों के आधार पर लिखी गई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फतवा देने के लिए एक अथॉरिटी होती है जो पूरी तरह से किसी विषय पर विचार करने के बाद ही फतवा जारी करती है, जहां ये फतवा एक तरह से सवाल का जवाब होता है। ऐसे में किसी भी शख्स के बयान को फतवा नहीं माना जा सकता। हालांकि ईरान, सऊदी अरब और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों में फतवा देने वाली संस्थाओं को सरकारी मान्यताएं होती है, लेकिन भारत में खास तौर पर बनाई गई अथॉरिटी के हाथ में होता है, जिसमें इस्लाम की जानकार मेंबर शामिल होते हैं और किसी विषय पर चर्चा करके फतवा जारी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति फतवा ना माने तो क्या होता है? ऐसे में दोस्तों, भारत जैसे देश में इस्लामिक कानून को लागू करने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति की अपनी राय है कि वो उसे किस तरीके से अपनाता है। कोई फतवा मनवाने के लिए भारत में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और ऐसा ही कुछ राम मंदिर पहुंची मुस्लिम लड़की शबनम का भी कहना है, जो ये कहती है, हमारा देश संविधान पर चलता है, मौलवियों के फतवे पर नहीं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई ये फतवा जैसा वर्ड को ही तुम बॉयकॉट करो और इसको निकाल दो, क्योंकि देश संविधान से चलता है, ना कि ये फतवे से चलता है। ये भारत है, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। ऐसे में भारत में तो ये केवल मुफ्ती की राय है, जहाँ इस्लाम धर्म के जानकार अपने लोगों को इस्लाम के मार्ग पर चलने की राय देते हैं। अब उसे कोई मानता है या नहीं मानता, ये इंसान की पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 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 अगर आप किसी शरीयत के कानून से चलने वाले देश में जाएंगे तो वहां पर फतवे का बहुत महत्व होता है, जिसे कई कंडीशंस में कानून के तौर पर लागू करवाया जा सकता है, जिसमें अगर इंसान फतवे को नहीं मानता तो उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाते हैं। कई देश के कानून तो फतवा न मानने वाले को दोषी मानकर उसे सजा भी देते हैं, क्योंकि इस्लामी देशों में जो कानून होते हैं वो कुरान और हदीस पर बेस्ड होते हैं और फतवा भी उसी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर कोई फतवा नहीं मानता तो उसका ये मतलब है कि वो कानून का उल्लंघन करता है, जिसकी सजा उसे मिलती है। इसलिए इस्लामी देशों के फतवे का बड़ा महत्व होता है। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।